आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि राजस्थान सामान्य ज्ञान का जो सेशन चल रहा है, इसमें आज हम पहला टेस्ट पढ़ेंगे। यानी इससे पहले हमने दो वीडियो जो डिटेल्स में पढ़े थे, राजस्थान का परिचय और इसके अलावा राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में हमने जो पढ़ा दो टेस्ट में, दो जो बड़े जो आपके लेसन थे उनमें, आज हम पढ़ेंगे उनमें से एक टेस्ट। और ये आप टेस्ट देकर देखिए कि आपको कितने आते हैं। साथ साथ हल करके भी बताऊंगा, साथ साथ आपको इनकी व्याख्याएं भी बताऊंगा। और उम्मीद करता हूं कि ये टेस्ट आपको अच्छा लगेगा और आप इस टेस्ट को देख करके देखिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये टेस्ट, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो बनने पर आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मोरचंग क्या है? प्रश्न इसी प्रकार के आने हैं, चाहे आप बीएसटीसी कर रहे हैं, सीएटी कर रहे हैं, आरएस की एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप राजस्थान की कोई भी पटवारी, ग्राम सेवक, इनमें से किसी भी तरह के एग्जाम दे रहे हैं, उसमें राजस्थान जीके के अगर कोई सवाल है तो प्रश्न आपको ऐसे ही आने हैं। आप इनको अच्छे से हल करें, हो सकता है इनमें से कोई प्रश्न रिपीट हो। मोरचंग क्या है? नृत्य है, गायन शैली है, वाद्य यंत्र है, चित्र शैली है, क्या है? आप जानते हैं मोरचंग एक वाद्य यंत्र है, इसमें 3 नंबर आता है। आप इसको साथ साथ हल करते जाए और कमेंट में बताएं कि आपके इनमें से कितने सवाल सही हुए। ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट किस जिले में स्थित है? अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, इनमें से है। ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके जोधपुर में है, इसमें 4 नंबर सही है। राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन, और वो किया गया था आपके, जैसे ऑप्शन है 13 जुलाई 86, 1 जनवरी 88, 2 अक्टूबर 86, 26 मई 1988, 26 मई 1988 को किया गया था, इसमें डी सही है। इसी प्रकार राजस्थान मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? आप जानते हैं कि जितने जो विधानसभा की संख्या होती है उनका 15% होता है, विधानसभा की संख्या आपके 200 है, 200 का 15% आप जानते हैं 30 होते हैं, तो इसमें सी उत्तर सही है, 30 होंगे। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? राजस्थान का राज्य खेल जूडो, कबड्डी, कुश्ती, बास्केटबॉल, राजस्थान का राज्य का जो है बास्केटबॉल है। राजस्थान में बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? अलवर में, भरतपुर में, बैराट में, कालीबंगा में, कहाँ प्राप्त हुए हैं? और वो है बैराट, जयपुर के पास, 3 नंबर सही है। इसके बारे में, बैराट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि बैराट जो है प्राचीन विराट नगर नाम मिलता है, प्राचीन में जो विराट नगर नाम था वो उसी को आज वर्तमान में बैराट कहते हैं। और ये प्राचीन जो मत्स्य जनपद था उसकी राजधानी भी था, मत्स्य जनपद जो था उसकी राजधानी भी विराट नगर ही था। और विराट नगर जो है या बैराट जो है, मौर्य कालीन जो शासन व्यवस्था थी उनका प्रमुख एक केंद्र था, यानी बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था ये। और यहाँ जो बीजक की पहाड़ी पर अशोक कालीन बौद्ध मठ और बौद्ध स्तूप के अवशेष जो है मिले हैं, बीजक की पहाड़ी, बीजक की पहाड़ी जहां पर अशोक कालीन बौद्ध मठ भी प्राप्त हुए हैं। और यहां पर ब्रह्म लिपि की अक्षर युक्त इंटें भी मिली है, ब्राह्मी लिपि में लिखी हुई, यानी जो उस पर ब्राह्मी लिपि में अक्षर लिखे हुए हैं और इंटें भी मिली है। और आप जानते हैं कि यहाँ के जो कैप्टन थे, कैप्टन बर्ट, आप जानते हैं जिन्होंने यहाँ का जो बाबरू शिलालेख खोजा था वो भी यही खोजा था। कौन सा? बाबरू शिलालेख। और बाबरू शिलालेख किसने खोजा था? कैप्टन बर्ट ने खोजा था। तो यूं कह सकते हैं कि ये बहुत ही एक प्राचीन स्थल है। 1857 में कोटा में विद्रोह के नेता कौन थे? कुशाल सिंह, राम सिंह, जयदयाल, रामदयाल, इनमें से कौन थे? और इनमें से थे आपके कोटा से जयदयाल, 3 नंबर सही है। आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति के समय जो कोटा के महाराजा राम सिंह प्रथम थे, कौन थे? राम सिंह प्रथम थे यहाँ के महाराजा। और आप जानते हैं कोटा में जो विद्रोह हुआ था उसमें कोटा की राजकीय सेना और आम जनता ने किया था। किसने किया था? कोटा की जो राजकीय सेना थी उसने और आम जनता ने किया था। और जिसका नेतृत्व तो जो है किसने किया था? जयदयाल ने किया था। और यहाँ क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन और उसके 2 बेटों की हत्या की थी। किसने? किसकी? मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्रों की उन्होंने हत्या कर दी थी। और मेजर जनरल रॉबर्ट्स जो है इस विद्रोह को दबाने के लिए आए थे और उन्होंने उसको दबा भी दिया था। और
यहाँ जो ये जो क्रांति हुई थी, इस क्रांति के जुल्म में, या उन्होंने जो है जयदयाल और मेहराब खान को फांसी दी थी। किसको? मेहराब खान और जयदयाल को इसमें फांसी भी दी थी। और आप जानते हैं कि ठाकुर कुशाल सिंह जो थे, इसमें कुशाल सिंह नाम आए, ठाकुर कुशाल सिंह जो थे वो आप जानते हैं आउवा में अंग्रेजों की सेना को हराया था। तो 1857 का जो विद्रोह था वो जयदयाल ने किया था कोटा से। राज्य महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा अध्यक्ष। आप जानते हैं राज्यपाल करता है, दो नंबर सही है। अईछत्रपुर वर्तमान में किसका नाम है? अईछत्रपुर किसका, यानी वर्तमान नाम क्या है? अईछत्रपुर आप जानते हैं नागौर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नागौर को कहा जाता है। कौन सा मेला वर्ष में दो बार भरता है, दो बार आयोजित होता है? बाण गंगा, महावीर जी, कैला देवी, करणी माता। दो बार भरता है करणी माता का मेला, जो नवरात्र दो बार आते हैं तो इसलिए नवरात्र में भरता है। इसका मतलब किसका मेला भरता है? करणी माता का। राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता कौन थे? गोकुल भाई भट्ट, जमनालाल बजाज, सिद्धराज डड्डा, गोकुललाल असावा, इसके थे सिद्धराज डड्डा, और दो नंबर सही है। अगर किसी प्रश्न में आपको डाउट होता है तो आप मुझे भी सूचित कीजिएगा ताकि उसमें सुधार किया जा सके, अपनी ऑथेंटिक बुक से मिलान भी करें। भारतीय थल सेना की 15 अगस्त 2005 को जो नवगठित सातवीं कमान, दक्षिणी पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर, जोधपुर, गंगानगर, बीकानेर। दक्षिणी पश्चिमी कमान का मुख्यालय आप जानते हैं जयपुर में है, एक नंबर सही है। राजस्थान में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का चयन कौन करता है? भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी है जो राजस्थान में काम करते हैं उनका चयन कौन करते हैं? आप जानते हैं वो आईएएस अधिकारी होते हैं और यूपीएससी से चयन होता है। किससे? यूपीएससी मीन्स राज्य संघ लोक सेवा आयोग। कौन करता है? यूनाइटेड पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, संघ लोक सेवा आयोग करता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जॉर्ज थॉमस द्वारा 1830 ईस्वी में राजस्थान के लिए क्या नाम दिया? जॉर्ज थॉमस ने 1830 में क्या नाम दिया था? राजपूताना, राजस्थान, रायथान, मरुक्षेत्र, ये अपन ने पढ़ा भी है और उन्होंने दिया था राजपूताना, एक नंबर सही है। किस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान विधानसभा के प्रथम आम चुनाव हुए थे? राजस्थान विधानसभा के जो प्रथम आम चुनाव हुए थे उसमें कौन मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में हुए थे? हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास और हरिभाऊ उपाध्याय, इनमें से कौन थे? जयनारायण व्यास, तीन नंबर सही है। प्रथम राज्य विधानसभा चुनाव के समय राजस्थान के राज्य प्रमुख कौन थे? प्रथम राज्य विधानसभा चुनाव जो हुए थे उसमें राजस्थान के राज्य प्रमुख कौन थे? महाराजा सवाई सिंह, सवाई मान सिंह, महाराणा भूपाल सिंह, महाराव भीम सिंह, महाराजा हंस सिंह, और वो थे महाराजा सवाई मान सिंह। कौन थे? महाराजा सवाई मान सिंह, एक नंबर सही है। राजस्थान के प्रथम और अंतिम महाराजा प्रमुख, प्रथम और अंतिम, सवाई मान सिंह, भूपाल सिंह, महाराव भीम सिंह और महाराजा भवानी सिंह, वो थे महाराणा भूपाल सिंह, इसमें दो नंबर सही है। अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम और एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम भी और एकमात्र मुख्यमंत्री गोकुलाल असावा, ज्वाला प्रसाद शर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय, माणिक्य लाल वर्मा, ये अपन पढ़ चुके हैं, हरिभाऊ उपाध्याय थे, दो नंबर सही है। निम्नलिखित में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? मरुधरा की कोकिला कौन सी है? गौरी देवी, मांगी बाई, बन्नो बेगम, अल्लाह जिलाई बाई। अल्लाह जिलाई बाई को मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है, चार नंबर सही है। तिमणिया कहाँ पहना जाता है? तिमणिया पुरुषों द्वारा बाजू पर, महिलाओं द्वारा बाजू पर, महिलाओं द्वारा गले पर और आपके पुरुषों द्वारा हाथ पर, यानी क्या महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है कि किसमें पहना? तिमणिया आप जानते हैं महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है, तीन नंबर सही है। तिमणिया का एक नाम थमणियों भी है, थमणियों, इसको थमणियों भी कहा जाता है। 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध अंबिका मंदिर कहाँ है? आहड़ में, ओसिया में, जगत में, नागदा में, कहाँ पे है? और वो है आपके कहाँ है? जगत में है। कहाँ है? जगत में है। जगत के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि मातृ देवियों को समर्पित है ये अंबिका मंदिर, जो कि राजस्थान राज्य के उदयपुर शहर से 42 किलोमीटर की दूरी पर है, जगत गांव में स्थित है। उदयपुर से कितना दूर है? 42 किलोमीटर दूर है और वो जगत गांव में स्थित है।
और इस मंदिर में देवी दुर्गा के रूप में एक अंबिका की पूजा की जाती है। और इस मंदिर का निर्माण लगभग 961 यानी 961 विक्रम संवत में हुआ था। विक्रम संवत 961 में हुआ था, और तो यानी यूं कह सकते हैं कि ईस्वी सन इसको हम क्या कह सकते हैं, 904 ईस्वी सन 904 में हुआ था। ये मंदिर परिसर जो है करीब 150 फीट लंबे ऊंचे परकोटे से गिरा हुआ, यानी 150 फुट लंबा ऊंचा जो प्रकोटा है उससे गिरा हुआ है। और ये जो है अंबिका मंदिर मेवाड़ का प्राचीन मंदिर है, और इसे मेवाड़ का खजुराहो भी कहा जाता है। किसको क्या कहा जाता है, मेवाड़ का खजुराहो भी कहा जाता है। और यहाँ पर गणपति की विशाल प्रतिमा भी है, अंबिका मंदिर है, यहाँ पर गणपति की विशाल प्रतिमा भी है। तो यूं कह सकते हैं कि अंबिका मंदिर जो है बहुत ही इतिहास प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय मरु उद्यान को, वनस्पति पार्क, वन्य जीव उद्यान, घास क्षेत्र पार्क, जीवाश्म उद्यान, इसको जीवाश्म उद्यान के नाम से जाना जाता है, जीवाश्म उद्यान के नाम से। यानी मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान के थार मरुस्थल के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में स्थित है, बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में स्थित है, और ये जैसलमेर से 40 किलोमीटर दूर है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है जैसलमेर से 40 किलोमीटर दूर है, और ये काफी बड़ा है। और यहाँ पर जो है नमक की झील जिले है उनके तलहटी में बना हुआ है। और ये उद्यान जो बना है 18 करोड़ वर्ष पुराने जानवरों और पौधों का एक जीवाश्म, यानी 18 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म और जानवरों के अवशेष यहाँ पर प्राप्त होते हैं। यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि डायनासोर के जो 60 लाख वर्ष पुराने जो जीवाश्म है वो यहाँ प्राप्त हुए हैं, इसी क्षेत्र में पाए गए हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, जीवाश्म उद्यान जो जैसलमेर से 40 किलोमीटर दूर है, ये उद्यान जो है आपके वहां पर स्थित है। अगर हम अगला प्रश्न देखें, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कब अंकित की गई, 1981 में, 91 में, 2001 में, 2011 में? तो 1981 में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी, और वो दशक की वृद्धि दर 32.97 हुई थी। कितनी हुई थी, 32.97%, जबकि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर जो थी वो 24.66 थी। राजस्थान में तो थी 32.97 1981 में, और पूरे भारत की जो थी वो थी 24.66 थी। और इसके बाद राज्य की जो वृद्धि दर है वो निरंतर कम रही है, और आप जानते हैं कि 2011 में जो यहाँ की दशक की वृद्धि दर है वो 21.21 रही है। कितनी रही है, 21.31। तो सर्वाधिक जो है 32.97 कब रही है, 1981 में रही है। राजस्थान के किस जिले की अधिकतम जो जिलों से सीमाएं स्पर्श करती है, ये तो सभी जानते हैं, भीलवाड़ा, पाली, नागौर, जसपाली की लगती है, 8 जिलों से लगती है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, राजस्थान का क्षेत्रफल आप जानते हैं 3,42,000 कितने हैं, 239, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी, स्वतंत्रता से पहले राजस्थान में 18, 19, 20, 21, तो 19 रियासतें थी। कितनी थी, 19 रियासतें थी, और तीन ठिकाने थे, एक केंद्रशासित प्रदेश था यानी जो जिसको अजमेर मेरवाड़ा। 84 कंबों की छतरी कहाँ स्थित है, जोधपुर, भरतपुर, बूंदी, जयपुर, वो है बूंदी में, कहाँ स्थित है, बूंदी में स्थित है। राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 15 अगस्त, 30 मार्च, 26 जनवरी, 28 दिसंबर, 30 मार्च को मनाया जाता है, इसमें गैस सही है। मत्स्य संघ की राजधानी कहाँ थी, भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, मत्स्य संघ की राजधानी अलवर थी, इसमें 4 नंबर सही है। इसी प्रकार राज्य का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, डांग क्षेत्र के रूप में, टोंक, भीलवाड़ा, बाड़मेर, जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, करौली, धौलपुर, यानी करौली और धौलपुर जो है वो डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया गया, पोखरण, फलोदी, कोलायत, बालाथल, 1974 में पोखरण में किया गया था, 18 मई 1974 पोखरण में किया गया था, 1 नंबर सही है, पोखरण जैसलमेर का भाग है। राज्य की किस रियासत को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 2019 में, जुलाई 2019 में
राज्य की किस रियासत को, देखिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 2019 में शामिल किया गया, जयगढ़ को, मेहरानगढ़ को, जयपुर परकोटा शहर, सामोद महल, इसमें जयपुर परकोटा शहर को किया गया था, 3 नंबर सही है। राजस्थान के किन जिलों में लाल लोमी मृदा पाई जाती, लाल लोमी जो मिट्टी है वो पाई जाती है, उदयपुर कोटा, भीलवाड़ा अजमेर, बांसवाड़ा डूंगरपुर और आपके जयपुर दौसा, कहाँ पे पाई जाती है? और वो पाई जाती है आपके बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। कहाँ पाई जाती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। इसमें गैस सही है। कौन सी नदी अंतः प्रवाही नदी नहीं है? सापी, कांतली, काकनी, खारी, इनमें से कौन सी है? खारी नहीं है, खारी जो है अंतः प्रवाही नहीं है, इसमें घ सही है। प्रश्न आ जाता है, राठ क्षेत्र किस जिले में? राठ, बीकानेर, उदयपुर, अलवर, धौलपुर, और वह है अलवर में, 3 नंबर उत्तर सही है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। इसी प्रकार के यदि आपको प्रश्नों वाले, आप मुझे जरूर बताइएगा कि प्रश्नोत्तर वीडियो अपलोड किए जाए ज्यादा या डिटेल्स वीडियो, डिटेल्ड वीडियो है वो बनाए जाएं। दोनों में से आप जरूर मुझे बताइएगा कि डिटेल्ड वीडियो अपनाएं या प्रश्नोत्तर वीडियो। वैसे लगातार चलते तो रहेंगे, लेकिन अगर आप कहेंगे कि डिटेल्ड वीडियो ही हमारे लिए ज्यादा अच्छे हैं तो मैं आपको डिटेल्ड वीडियो ज्यादा पढ़ाऊंगा। प्रश्नोत्तर वीडियो को कहेंगे तो मैं आपके लिए प्रश्नोत्तर वीडियो यानी प्रश्नों की संख्या बढ़ा भी दी जाएगी। उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छा लगा। कैसा लगा जरूर मुझे बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।